वेलकम बैक माई न्यू वीडियो। अगर आप भी गल्फ कंट्री जाने के लिए गमका मेडिकल कराना चाहते हैं, अपने मोबाइल में खुद से गमका का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या गमका का स्लिप काट सकते हैं। गमका स्लिप काटने के लिए फी कितना लगता है, सेंटर कैसे चूज करते हैं, तो ये सब इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए ले चलता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। अपने मोबाइल में कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेंगे, तो मैं क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ सर्च पर क्लिक करके टाइप करेंगे wafit.com। सर्च पे क्लिक कर देंगे, ऐसा पेज खुल के आएगा। फर्स्ट वाला साइट पे क्लिक करेंगे, दूसरा पेज ऐसा खुल के आएगा। बुक एंड अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे, दूसरा पेज ऐसा ओपन होके आएगा। देखिए सारा डिटेल भरने के लिए आ रहा है। चलिए आप अपना जल्दी जल्दी डिटेल भर देते हैं। लोकेशन यानी कंट्री, आप जिस भी कंट्री के हैं आप कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, इंडिया सेलेक्ट कर लिया। जिस भी सिटी में आप कराना चाहते हैं, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, कहाँ से आप कराना चाहते हैं गमका मेडिकल, वो सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, लखनऊ सेलेक्ट कर लेते हैं। जिस भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं वो कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, सऊदी अरबिया सेलेक्ट कर लिया। कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट नेम यहाँ टाइप करना पड़ेगा, फर्स्ट नेम, यहाँ लास्ट नेम पूछ रहा है, लास्ट नेम। फिर इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका नेशनलिटी क्या है, इंडियन। जेंडर में मेल सेलेक्ट कर लेंगे। मटेरियल स्टेटस मैरिड है, अनमैरिड है, वो सेलेक्ट कर लेंगे। अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ टाइप करना पड़ेगा, पासपोर्ट नंबर टाइप कर देंगे। पासपोर्ट नंबर कंफर्मेशन के लिए दोबारा टाइप करना पड़ेगा। आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ था वो डेट यहाँ डालना पड़ेगा। आपका पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ था, ये पासपोर्ट इशू प्लेस डालना पड़ेगा, डाल दिया। आपका एक्सपायरी, पासपोर्ट आपका कब एक्सपायर हो रहा है वो डालना पड़ेगा। आपका वीज़ा टाइप में कौन सा वीज़ा है, फैमिली वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, ये टाइप करना पड़ेगा। ईमेल आईडी यहाँ टाइप करना पड़ेगा, ईमेल आईडी अपना जल्दी जल्दी भर देंगे। फिर यहाँ आपका फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा, +91 लगा के ही टाइप करिएगा। नेशनल आईडी में आपका आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए। अप्लाइड पोजीशन, मतलब आप किस पोजीशन में जा रहे हैं, आपका पोजीशन क्या है वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें से आपका जो भी पोजीशन रहेगा वो इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। और कुछ भी इसमें आपका मैच नहीं हो रहा है ट्रेड पोजीशन, तो यहाँ से अदर पर क्लिक करके ये टाइप करने के लिए दे रहा है, आप यहाँ पर चाहें तो टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इंजीनियर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, यहाँ ट्रिक कर लेंगे। अब सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दे रहा है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब पूरा फॉर्म भर दिया, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए $10 पेमेंट करने के लिए आ रहा है। आपका वीज़ा कार्ड होना चाहिए, या नेम आप कार्ड, आपका नाम क्या है, कार्ड का नाम डालेंगे। फिर आपका कार्ड का नंबर क्या है, नंबर डालेंगे। एक्सपायरी डेट, आपके कार्ड का एक्सपायरी डेट डालेंगे। और CVV कोड डालेंगे, आपका CVV कोड जो है, और पे पे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद फिर एक ऐसा पेज ओपन होके आएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऐसा स्लिप आपका कट जाएगा।